नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 17 अगस्त के मैथ के क्वेश्चन कुछ और आ गए हैं मेरे पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन का बता दूं कि आप ये वाले क्वेश्चन अगर इसी टाइप के दोबारा आ जाएं तो वो आप कर सकें। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन एवरेज वाला दिया है। एवरेज वाला मैं कई बार आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है एवरेज में, सम डिवाइड बाई नंबर, बाकी इसी से चाहे जितना भी क्वेश्चन घुमा दे यहीं से होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि टोटल 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, उनका एवरेज 55.44 दिया है और 27 बॉयज़ का दिया है 72। आपको एवरेज निकालना है गर्ल्स का। देखिए टोटल 50 स्टूडेंट हैं और 27 बॉयज़ हैं, तो फिर यानी कि 23 हो गई गर्ल्स। अब आपको टोटल निकालना है एवरेज ऑफ गर्ल्स। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइड बाई नंबर, तो यानी कि सम क्या हो गया, एवरेज इंटू नंबर। तो सम आप 50 स्टूडेंट का निकाल लेंगे क्योंकि एवरेज दिया हुआ है, 55.44 इंटू 50 कर दीजिए, यह आ गया 2772। वैसे ही आप बॉयज़ का निकाल लेंगे, कितना 72 दिया है इंटू 27 कर दिए, तो 1944 आ गया। अब ये दोनों का एवरेज निकाल लिया आपने, सम की वैल्यू दोनों की निकाल ली, तो सम ऑफ 50 स्टूडेंट हो जाएगा सम ऑफ बॉयज़ प्लस सम ऑफ 23 गर्ल्स। तो गर्ल्स का आपको निकालना है, तो 2772 माइनस 1944 हो जाएगा, यानी कि 828 हो गया इसका सम। अब आपको एवरेज निकालना है गर्ल्स का, तो 828 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 23 दिया हुआ है गर्ल्स नंबर, तो 23 से आप डिवाइड कर दिए, तो ये एवरेज। फिर ये क्वेश्चन दिया है डायगनल आपको दिए है स्क्वायर की 12 सेंटीमीटर। देखिए डायगनल अगर आप देखें स्क्वायर की, वो होती है a√2। a√2 की वैल्यू दी हुई है, a आपको निकालना है, 6√2 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। डायरेक्शन वाली मैं ट्रिक बता चुका हूँ आपको, उसमें बताया था कि देखिए इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले आपको जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका डायग्राम बना के रख लेना है, और फिर क्वेश्चन में जो जो कहता जाए वो करते जाइए। देखिए क्या है, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ए और बी को एक जगह पे खड़ा कर दिया। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, फिर से हम इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर ए मूव टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट वेस्ट की तरफ मूव किया इन्हें 3 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स लाइफ लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, मतलब लेफ्ट की तरफ मूव किया और 5 किलोमीटर यहाँ तक आया, ठीक है। देखिए इसमें कोई भी चीज़ जो भी कहता जाए डायरेक्शन में, उसको आप अपनी अपने आप को उसकी जगह रख दिया करिए और फिर करा करिए, कि मतलब ए की जगह अब आप चल रहे हैं, बी की जगह फिर आप चलेंगे, तो आप अपने हिसाब को अपने आप को विजुलाइज करिए वहां पे, और तब देखिए कि आपका लेफ्ट कहाँ मुड़ना है, राइट कहाँ मुड़ना है, उससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ तक गए तो आपका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होंगे, तो आपका लेफ्ट किधर हुआ, लेफ्ट आपका इधर हुआ, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर चल दिए आप। फाइनली ए टेक्स राइट टर्न, अब यहाँ पे थे तो आपका राइट किधर हुआ, राइट इधर हुआ, और ये इसने राइट टर्न लिया, 7 किलोमीटर चल गया, तो ये हो गया 7। अब ये की एक की पोजीशन क्या है, ये है। अब कह रहा है कि बी चलना चालू करता है, बी मूव साउथ, तो यहीं पे बी था, यहाँ से बी यहाँ पे चालू किया इसने, ठीक है, 1 किलोमीटर चला ही, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1 किलोमीटर हुआ। एंड देन टेक्स राइट टर्न एंड मूव 10 किलोमीटर, अब यहाँ पे था तो इसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर मूव किया। तो देखिए या यहाँ पे मान लीजिए था ये 1 किलोमीटर था, तो यहाँ से इसने 10 किलोमीटर चल दिया बी। अगर आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर मतलब कि 3 ये वाला हो गया जो ए पहले कर चुका है, और फिर जो 7 ये है, तो टोटल ए बी जो है ए के जस्ट ऊपर आके खड़ा हो गया नॉर्थ में। अब पूछा ये कि इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम ए, तो बी तो ए के नॉर्थ में है डायरेक्टली, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे पूछा है इसलिए नॉर्थ आ जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए डिस्टेंस भी पूछ लेते तो कितना आ जाता, तो देखिए यहाँ पे ये 1 किलोमीटर है, ये टोटल है 5, तो यानी कि इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई 4। अब ये 4 हो गई, तो यानी कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर हो जाती है। फिर एक क्वेश्चन है लास्ट में, एक गर्ल के मार्क्स हैं 30 मार्क्स उसको मिले हैं मैथ्स में, और नहीं देखिए साइंस में जितने मार्क्स मिले थे उससे 30 ज़्यादा मिले हैं मैथ में। अब इसमें बोल रहा है कि 60% जो मार्क्स हैं मैथ और साइंस के टोटल मिला के वो इक्वल है जो टोटल मार्क्स हैं मैथ्स में, तो आपको मैथ जो साइंस के मार्क्स हैं वो निकालने हैं। देखिए मान लीजिए मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट दिए हैं, अगर साइंस के एस मान लें तो मैथ्स के कितने आ जाएंगे, एस प्लस 30 आ जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है 30 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो यहाँ पे अगर एस है तो यहाँ पे एस प्लस 30 हुआ। अब 60% ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ्स और एस, मैथ्स और साइंस, तो 60% ऑफ मैथ्स के कितने मार्क्स हैं, एस प्लस 30, और साइंस के कितने एस हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, मार्क्स इन मैथ्स, यानी कि मार्क्स इन मैथ्स कितने, एस इज इक्वल टू एस प्लस 30। अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 2s+30 इंटू 60% का क्या हो गया 3/5 इज इक्वल टू एस प्लस 30, तो यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6s+90 इज इक्वल टू
फाइव एस प्लस 150, तो एस की वैल्यू आ गई 60, आपकी मार्क्स आ गया। तो ये हो गया, अब ये क्वेश्चन मेरे पास जितने आ गए ये मैंने आपको शेयर कर दिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।